बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग में आपको खुश आमदीद। आज बना रही हूँ मैं भिंडी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सब्ज़ी है, गर्मियों की सब्ज़ी है, बहुत फ्रेश फ्रेश मिल गई थी तो मैंने काट ली है। आधा किलो भिंडी है हमारे पास। बहुत आसान तरीके से मैं बनाऊँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। आधे कप से ज़्यादा मैंने डाला है घी कढ़ाई में। घी हो गया है गर्म, भिंडी में डाल दूँगी और भिंडी को मैं मीडियम फ्लेम पर जो है ना फ्राई करूँगी ताकि इसमें जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाए और भिंडी हमारी मज़ेदार बने। ठीक है, मीडियम पर करना है आपने, याद रखिएगा। तेज़ करेंगे तो भिंडी जल जाएगी और वो जायका नहीं रहेगा। हल्के फ्लेम पर करेंगे तो ये एक तेल ज़्यादा पी लेगी और लजी लजी सी हो जाएगी, यानी कि नरम सी हो जाएगी। ठीक है जी, 4 से 5 मिनट लगे हैं और भिंडी हमारी होगी है फ्राई। भिंडी को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तमाम भिंडी निकाल लेंगे। इस तरह भिंडी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है और जल्दी बन जाती है। बहुत आसान रेसिपी है। भिंडी तकरीबन सबकी फेवरेट होती है और बहुत फ़ायदेमंद है, इससे आपका वज़न भी कम होता है। ज़रूर ज़रूर खाइएगा, स्पेशली अभी रमज़ान है, अफ्तारी के टाइम पे बनाएं, यानी कि खाने के लिए, अफ्तारी में ना खाएं, खाने के लिए बनाएं जब रोटी आप खाते हैं सालन के तौर पे। ठीक है, ये देखें तमाम भिंडी जो है ना निकाल ली है मैंने और अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है। हमने इसी घी में हमने चीज़ शामिल करनी है। डाल दिया है 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच तकरीबन मैंने ज़ीरा डाला है यहाँ पर। इसको हिलाएंगे कच्चापन ख़त्म करने के लिए। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, 2-3 चुटकियाँ। बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है और जायका भी अच्छा होता है और बादीपन भी ख़त्म होता है। 1.5 प्याज है मेरे पास कटी हुई, शामिल कर देंगे। और बस प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है हमने सिर्फ। 3 से 4 मिनट लगेंगे, मीडियम फ्लेम है। अच्छा जी, मसाले भी मैंने साथ ही शामिल कर दिए हैं। हल्दी 1/2 चाय के चम्मच, दड़ा मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय के चम्मच, 2-3 चुटकी कलौंजी, धनिया पाउडर मैंने डाला है, ये भी कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ अच्छा लगता है इसमें, 1/2 चाय के चम्मच। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और नमक मैंने अभी तक शामिल नहीं किया है इसमें। साथ साथ मसाले भी फ्राई करेंगे क्योंकि प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लिया है हमने मसाला डाल के प्याज को, और प्याज जो है हमारी कच्चापन ख़त्म हो गया इसका, हमने ब्राउन नहीं करना। 1.5 पाव टमाटर का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक काट के टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ कि टमाटर जो है ना वो मुझे इस तरह खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते। अगर आपको वैसे अच्छे लगते हैं तो वैसे डाल सकते हैं, मुझे बिल्कुल मुलायम मसाला अच्छा लगता है। तो प्याज तो इसमें नज़र आता ही है लेकिन टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए, मेरा ये ख्याल है, इसलिए मैं पेस्ट डालती हूँ। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसका पानी खुश्क होने तक। अच्छा जी, टमाटर का पानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो गया और अब हम इसमें फ्राई हुई हुई भिंडी जो है वो शामिल कर देते हैं। ये जम चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि घी में थी फ्राई हुई हुई तो ये जम गई है थोड़ी। ठीक है, तो तमाम भिंडी जो है वो हम डाल देते हैं उसमें। ठीक है, तो भिंडी डालने के बाद इसमें लीमू छोड़ दूंगी मैं, 2 अदद लीमू का रस मैं छोड़ूंगी ताकि ये मज़ीद स्पाइसी हो जाए, खट्टी हो जाए थोड़ी सी। लीमू छोड़ देंगे हम। दो दर्द लीमू का रस मैंने इसमें छोड़ दिया है
और मिक्स कर देंगे। और अब इसके साथ ही मैं नमक शामिल कर दूंगी, हसबे ज़रूरत मैं इसमें नमक डालूंगी। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ फ़िलहाल। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी कटी हुई हरी मिर्चें, और इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको दम पे रख देते हैं, 5 से 6 मिनट दम पे रखेंगे जी। तकरीबन 6 मिनट के बाद जो है वो मैंने ढक्कन उठाया है, तो अब हम इसमें छिड़क देते हैं हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया छिड़कने के बाद 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद दम पे रखेंगे। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बड़ी चटपटी सी तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार। इसी क्वांटिटी से चीज़ें डालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी भिंडी बनकर आपकी। ढक देते हैं 2 से 3 मिनट, फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो तैयार है जी हमारा भिंडी प्याज का मसाला, जो कि बहुत ही स्पाइसी है, बहुत मज़ेदार है। यकीन करें आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ ही अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।